जिला प्रशासन द्वारा 4 फरवरी से विधानसभा चुनाव के लिए शुरू होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन होगा, जिसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में 9 न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभा है जिसके लिए कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की जा रही है तथा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन को संपन्न कराने के लिए सभी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, जिससे शांतिपूर्वक नामांकन संपन्न हो। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ 3 प्रस्तावक और 1 अन्य व्यक्ति को ही नामांकन कक्ष में आने की अनुमति रहेगी तथा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक सभी तरह के जनसभाएं और नुक्कड़ सभा पर रोक है और आगे जो निर्देश आएगा उसका पालन करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सर 4 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, उसकी क्या तैयारी है? 4 तारीख से 11 तारीख के बीच में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होनी है, जिसके लिए कचहरी परिसर में 9 न्यायालयों को व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, अवस्थापनाएं संतृप्त कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था के लिए तैयारी की जा रही है और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी होगी। सभी तरह के प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि सभी प्रत्याशियों को सुगमतापूर्वक नामांकन प्रक्रिया संपन्न किया जा सके मान्य आयोग के निर्देशों के क्रम में। सर जो प्रत्याशी आएंगे उनको किन किन नियमों का पालन करना है? जो जैसे माननीय आयोग ने निर्देशित किया है कि 3 लोग प्रस्तावक और प्रत्याशी के साथ 1 अतिरिक्त व्यक्ति को ही नामांकन कक्ष में आने की अनुमति रहेगी, और जैसे ही अभी माननीय आयोग द्वारा 31 तारीख तक के लिए आज तक के लिए निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता में किसी तरह के नुक्कड़ सभा या जनसभा का आयोजन प्रतिबंधित है, उसको 100% पालन करने के लिए अनुश्रवण किया जा रहा है और आगे जो भी निर्देश माननीय आयोग के मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।